सरैया स्थित कैंप कार्यालय में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी ओकास अंसारी और प्रभारी शाहिद तौसीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का कांग्रेस जनों द्वारा विरोध किया जाएगा और हम सब ने इंदिरा गांधी के चित्र पर अल्पसंख्यक कांग्रेस लोगों ने माल्यार्पण किया, क्योंकि आज के ही दिन 1969 में उनके द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसलिए हम सब उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। ये हम लोग अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष माननीय सनवाज आलम साहब के निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश में आज के दिन ये जो बैंक संशोधन कानून संशोधन का प्रदेश वर्तमान सरकार लाई है, मोदी सरकार, ये देखिए जिस तरह से आज ही के दिन 1969 में माननीय उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकृत किया था, तो आज ही के दिन हम लोगों ने एक उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद करके आज ये एक प्रण हम लोगों ने लिया है कि जो केंद्र सरकार मोदी सरकार जो बैंकों को राष्ट्रीयकृत खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो भारत सरकार की बैंकों में 51% की जो हिस्सेदारी थी उसको ख़त्म करके 26% पे ला रही है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो आज ही से उसकी शुरुआत हुई है और कांग्रेस पूरे प्रदेश में का पूरे देश में इस कानून का विरोध करेगी, इस कानून को लागू नहीं होने देगी, क्योंकि जैसे ही ये कानून लागू हुआ 26% में हुआ तो इनके जो मित्र लोग हैं जो कुछ हमारे दो इनके जो हैं वो उस पर हावी हो जाएंगे और बैंक में जितने जनता का पैसा है उसका कोई भरोसा नहीं रह जाएगा कि वो पैसा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि जनता की लड़ाई के लिए हम कांग्रेस जनों ने पूरे देश में ये बीड़ा उठाया है कि जो कानून बैंकिंग संशोधन कानून ये लोग ला रहे हैं उस कानून का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। और हम अरे यार आपके चैनल से उसके माध्यम से हम वर्तमान सरकार से ये अपील भी करते हैं कि देखिए देश का जनता के पैसा उस बड़ी मेहनत से गाड़ी की कमाई का पैसा है उसको और अपने दोस्तों जो आज हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया लेके आज विदेशों में भाग गए बैंकों का पैसा, बैंक दिवालिया के कागार पर खड़ी है, तो उसको और मजबूत करने के लिए और सरकार अपनी हिस्सेदारी उसमें सरकार को बढ़ाना चाहिए ना कि घटाना चाहिए। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि बैंक को राष्ट्रीयकृत जो है वो राष्ट्रीयकृत रहने दिया जाए। अब डॉलर देख ही रहे हैं 80 रुपया पहुँच गया है, तो आज जब यही लोग 49 रुपया था UPA की गवर्नमेंट में तो सीना पीट के इनके अंधभक्त लोग सीना पीटते थे कि डॉलर रुपया बहुत गिर गई, आज 80 रुपया हो गया तो कोई पूछने वाला कोई बोलने वाला नहीं है। तो आज स्थिति जनता देश की देख रही है कि देश किस दिशा में जा रही है, एकदम कंगाल की हालत पे लोग उनको करने जा रहे हैं और देश की जनता बहुत ही भावुक है, उनको उनके भावना से खिलवाड़ न किया जाए, उनके संपत्ति का ख्याल रखने का उनके धन का ख्याल रखने का सरकार की जिम्मेदारी है और जो बैंक भी सुरक्षित है उसको सुरक्षित रहने दिया जाए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।